नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए हमारी आज की यह खबर बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि अब आपको आपके राशन कार्ड पर मुफ्त में मिलने वाले अनाज की सूची से गेहूं और चावल पर बड़ा निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से किए गए बदलाव के बाद करोड़ों राशन कार्ड धारकों को 1 जून से मुफ्त में गेहूँ मिलना बंद हो जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेहूं और चावल देने का काम किया जाता है। केंद्र से मिलने वाले राशन को राशन कार्ड धारकों में बांटते हैं। इसके तहत ही पात्र राशन कार्ड धारक को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है। इस बीच अब मोदी सरकार ने गेहूं की कम खरीद के कारण गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितम्बर तक आवंटित होने वाले गेहूँ के कोटे को घटा दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इस बदलाव के बाद 3 राज्य यूपी, बिहार और केरल को गेहूं का कोटा नहीं मिलने वाला है। इसके साथ ही दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के गेहूं के कोटे में भी कमी की गई है। जानकारी के अनुसार यूपी बिहार में गेहूं के आवंटन को रद्द करने का कारण गेहूं की कम खरीद है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया कि इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। ये बदलाव केवल PMJKAY के लिए ही है। यूपी, बिहार और केरल में कई धारकों को अब 3 किलो गेहूं और 2 किलो की जगह 5 किलो चावल दिया जाएगा। दिल्ली, गुजरात, झारखंड, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में भी गेहूं के कोटे को कम करने की खबर है। हालांकि अब बाकी राज्यों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग से राज्य के जिलाधिकारियों को हाल ही में एक पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 6 के तहत अंत्योदय अन्न योजना और पात्र गृहस्थी के लाभार्थी के लिए 5 महीने निःशुल्क 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न का संशोधित आवंटन किया गया है। यानी कि इस पत्र में यह साफ है कि अवर सचिव भारत सरकार के पत्र में मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति महीने के ब्याज कुल 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न का जनपद वार आवंटन किया गया है। पात्रों को योजना के ही अंतर्गत अब प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रति यूनिट 5 किलो चावल का वितरण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में भी राशन कार्ड से राशन लेने वालों की लंबी फेहरिस्त है, जिसे कम से कम कमजोर वर्ग के लोगों को खाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन अब चूंकि गेहूं मुफ्त में नहीं मिलने वाली है, ऐसे में राशन कार्ड से अनाज लेने वालों की परेशानी जरूर बढ़ सकती है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।